हाय दोस्तों, स्वागत है आपको इस रानी ब्लॉग में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज बिरयानी, वो भी अपने घर पे बिल्कुल होटल स्टाइल में। अगर आप भी इसी तरह का बिरयानी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देर के अब हम इसे शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले ले लिए हैं इसके लिए कुछ हरी सब्जियाँ जो हमारे घर में थे, जैसे कि फूलगोभी, बीन्स, मटर, आलू। आप चाहे तो और भी सारे सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, बस हम इतना ही लिए हैं। फिर हम सारे सब्जियों को मीडियम साइज में काट लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। फिर हम लिए हैं चार प्याज, उसे भी हम एक साइज में अच्छी तरह से काट लिए हैं, फिर एक प्लेट में रख लिए। और फिर हम कुछ लिए हरी धनिया का पत्ती, जिसे भी हम बारीक कट कर लिए हैं। अब हम चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा लेंगे। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म होती है, जब तक हम बासमती चावल 100 ग्राम ले लेंगे एक बर्तन में, और इसे हम 3-4 पानी में इसे अच्छी तरह से इसे हम हल्के हल्के हाथों से रगड़कर धो लेंगे। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा पानी डालकर बस 15 मिनट तक ही छोड़ देंगे। अब हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे तेल, और जो हमने प्याज काट कर रखा था उसे इसमें डालकर मीडियम फ्लेम में थोड़ा हमें इसे ब्राउन होने तक भून लेंगे। जैसे मेरा प्याज ब्राउन हो चुका है, तो अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और फिर जो बचे हुए, अब हम एक बर्तन में दही लेंगे और उसे उस में मथ लेंगे, और उसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे, और 1 चम्मच डालेंगे उसमें हम बिरयानी मसाला, और हमने उसमें अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट भी डाले हैं जो हमने दिखाना आप लोग को भूल गए हैं इसमें, और फिर नमक डालेंगे और सारे सब्जी को उसमें डाल के अच्छी तरह से धीरे धीरे हम सारे को मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम जो हमारा तेल बचा था कढ़ाई में, उसी तेल में हम सारे सब्जी को डाल के धीरे धीरे फ्राई करके इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। करीब हम इसे 15 मिनट तक हम धीरे धीरे भून लेंगे, और इसमें जो हमने वॉइस डाले हैं ऊपर से वॉइस डाला हुआ है, इसीलिए ये मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद हम दूसरे चूल्हे पे एक बर्तन में पानी लेके चढ़ा लेंगे। पानी है जो ज़्यादा मात्रा में डालना है, और उसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, और उसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। पानी को बॉयल होते ही हम उसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल, और उसके बाद हम डालेंगे चावल जो धोकर रखे थे, उसे हम पूरे चावल को अच्छी तरह से डालकर फिर हम उसे चला देंगे। बस थोड़ा देर के लिए चलाने के बाद बस 5 मिनट के लिए ढककर बस पका लेंगे। पूरी नहीं पकानी है, हल्का ही पकाना है। हमने चावल जो डाले हैं उसमें जो पानी फूलने के लिए छोड़े थे वो पानी सही से डाल दिए हैं। डालने में आसानी होता है, और इसे ऐसे इसी तरह से चला कर बस कुछ देर के लिए ढक लेंगे, जब तक हमारा सब्जी भी बन गया है। देखिए अच्छी तरह से भुना गया है, तो अब हम इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और फिर इसे हम ढक देंगे, और ढकने के ढक कर करीब 5 से 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ेंगे। हमारा इधर चावल भी रेडी हो गया है, वैसे अच्छा हुआ है पानी ज़्यादा मात्रा में डाले थे ना, इसके कारण चावल भी इधर रेडी हो गया है। और उधर गैस बंद कर देंगे और इसे हम छान लेंगे, और इधर मेरा सब्जी भी रेडी हो गया है, इसे हम इसे भी अभी उतार लेंगे। और हम एक लेंगे बड़गुना बड़ा बर्तन, हमने एलुमिनियम का बर्तन लिया है, आपके पास जो है वही लीजिए। और इसमें हम 2 लेयर से इसके में हम बनाएंगे, इसे सबसे पहले सब्जी डालकर फिर उसमें थोड़ा चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद अच्छे से सजा लेंगे, फिर उसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता, फिर हम डालेंगे उसमें जो भुना हुआ प्याज था उसे डालेंगे, फिर हम डालेंगे उसमें
ये जो बिरयानी मसाला वो डालिए, फिर से एक लेयर लगाएंगे और उसमें सब्जी डालेंगे, बचा हुआ सब्जी सारा डाल के उसमें फिर बचा हुआ सारा चावल डाल लेंगे, फिर ऊपर से हम डाल लेंगे धनिया पत्ता, भुना हुआ प्याज, बिरयानी मसाला और उसमें हम थोड़ा सा फ्रूट्स कलर भी डालेंगे ऊपर से, और फिर हम डाल लेंगे 2 चम्मच घी और इसे डालने के बाद हम करीब इसे अच्छी तरह से ढक देंगे और हम पैक करके बस 5 मिनट के लिए एकदम मीडियम फ्लेम, एकदम लो फ्लेम में इसे 5 मिनट के लिए बस पकाएंगे और हमारा ये बिरयानी बनकर हो गया रेडी। हमारा ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुआ है, एकदम बिल्कुल होटल की तरह लग रहा है देखने में। इसका हर एक दाना एकदम अलग बिखर बिखर के एकदम हो गया है, जैसा हम सोचे थे वैसा ही एकदम बनकर रेडी हो गया है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और इसे हम सर्व करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।